आर्यभट्ट प्राचीन काल के सबसे महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ सब में से एक हथिन। विज्ञान और गणित के क्षेत्र में उनकर कैल गेल काम आज भी वैज्ञानिक सबके प्रेरणा दे है। आर्यभट्ट वो पहला कुछ गिनल चुनल लोग में हलथिन जे बीज गणित यानी कि अलजबरा के प्रयोग कैलथिन हल। तोरा जान के आश्चर्य हो तो कि वो अपन प्रसिद्ध रचना आर्यभट्टीय की रचना कविता के रूप में कैलथिन है। ये पुस्तक प्राचीन भारत के बहुचर्चित पुस्तक सब में से एक है। ये पुस्तक में देल गेल ज्यादातर जानकारी खगोल शास्त्र और गोलीय त्रिकोणमिति के संबंध में है। आर्यभट्टीय में अंगणित बीज गणित और त्रिकोणमिति के 33 गुनिया देल गेले है। आज हमने सब ई बात जाना ही कि पृथ्वी गोल है अब अपन धुरी पर घूम रहे है। यही से दिन और रात हो है। मध्यकाल में निकोलस कापरनिकस ये सिद्धांत दिलथिन हल, लेकिन ई वास्तविकता से बहुत कम लोग वाकिफ हथिन। ये कापरनिकस से लगभग 1000 साल पहले ही आर्यभट्ट ई खोज कर चुकल थिन हल। आर्यभट्ट ई भी बता दिलथिन हल कि पृथ्वी गोल है और एक परिधि अनुमानतः 24,835 मील है। सूर्य और चंद्र ग्रहण के हिंदू धर्म के मान्यता के आर्यभट्ट गलत सिद्ध करथिन हल। ई महान वैज्ञानिक और गणितज्ञ के ई भी पता हले कि चंद्रमा और दूसर ग्रह सब सूर्य के किरण से ही प्रकाशमान होबा है। आर्यभट्ट अपन सूत्र से ई सिद्ध कैलथिन कि एक साल में 366 दिन न होके 365.2951 दिन होबा है। हम यो सत्या और अपने देख रहल थिन हैं एकंगर मघी। बात हो रहे है मगध के आर्यभट्ट के। बात कर जाए आर्यभट्ट के प्रारंभिक जीवन के। आर्यभट्ट अपन ग्रंथ आर्यभट्टीय में अपन जन्म स्थान कुसुमपुर यानी कि पाटलिपुत्र आज के पटना और जन्म काल सक संवत 398 लिखलथिन हैं। ये जानकारी से उनकर जन्म के साल तो निर्विवादित है, लेकिन वास्तविक जन्म स्थान के बारे में विवाद है। कुछ लोग के अनुसार आर्यभट्ट के जन्म महाराष्ट्र के अस्मक प्रदेश में खोले हल, लेकिन ये बात में कोई शक न है कि आर्यभट्ट अपन पढ़ाई ला कुसुमपुर यानी कि उस समय के पटना एलथिन हल। ऐसा मानल जा है कि आर्यभट्ट के शिक्षा कुसुमपुर में होले हल आउ एजे तरेगना में रह हलथिन। आर्यभट्ट तरेगना के एगो मंदिर में वेदशाला भी स्थापित कैलथिन हल, जेकर से वो ग्रह और खगोलीय नक्षत्र सब के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहल थीन। कुछ इतिहासकार ये भी माना हथिन आर्यभट्ट नालंदा विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हलथिन। आर्यभट्ट के कैल गेल काम के जानकारी उनका लिखल ग्रंथ सबसे मिल है। ये महान गणितज्ञ आर्यभट्टीय 10 गीतिका तंत्र और आर्यभट्ट सिद्धांत जैसन ग्रंथ सबके रचना कलथिन हल। विद्वान सब में आर्यभट्ट सिद्धांत के बारे में बहुत मतभेद है। ऐसा मानल जा है कि आर्यभट्ट सिद्धांत 7वीं सदी में खूब उपयोग हो रहा है। संप्रति में इस ग्रंथ के केवल 34 श्लोक ही उपलब्ध है और इतना उपयोगी ग्रंथ लुप्त कैसे हो गए इस विषय में किनको कोई जानकारी न है। आर्यभट्टीय आर्यभट्ट के कैल गेल काम के प्रत्यक्ष विवरण दे है। ऐसा मानल जा है कि आर्यभट्ट खुद ये नाम न रखलथिन होत, बल्कि बाद के टिप्पणीकार सब आर्यभट्टीय नाम के प्रयोग कलथिन होत। एकर उल्लेख भी आर्यभट्ट के शिष्य भास्कर प्रथम अपन लेख सब में कलथिन है। ये ग्रंथ के कभी कभी आर्य सत अष्ट के नाम से भी जानल जा है। आर्यभट्टीय में वर्गमूल घनमूल समानांतर श्रेणी और विभिन्न प्रकार के समीकरण सब की जानकारी देल गेले है। वास्तव में ये ग्रंथ गणित और खगोल विज्ञान के एगो संग्रह है। आर्यभट्टीय के गणित भाग में अंगणित बीज गणित सरल त्रिकोणमिति और गोलीय त्रिकोणमिति शामिल है। एकरा में सतत भिन्न यानी कंटिन्यूड फ्रैक्शंस, द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रिक इक्वेशंस, घात श्रृंखला के योग यानी सम्स ऑफ पावर सीरीज आउ जयाओं की एक तालिका टेबल ऑफ साइंस शामिल है। आर्यभट्टीय में कुल 108 छंद है, ये 4 पद या अध्याय में विभाजित है, जिकरा में गीतिका पद, गणित पद, काल क्रिया पद और गोल पद शामिल है। आर्य सिद्धांत खगोलीय गणना पर
कैल गेल काम है। जैसे इनके पहले बतलियो ये ग्रंथ अब लुप्त हो चुके है और एक बारे में हमने के जे भी जानकारी मिला है वो आर्यभट्ट के समकालीन वराह मिहिर के लेखन से या बाह्य गणितज्ञ और टिप्पणीकार सब जैसे ब्रह्मगुप्त और भास्कर प्रथम आदि के काम और लेख सब से जानकारी हो पावा है। आज जितना भी जानकारी उपलब्ध है ओकर आधार पर लगा है कि आर्य सिद्धांत आर्यभट्टीय के सूर्योदय की अपेक्षा एकरा में मध्य रात्रि दिवस गणना के उपयोग कैल गेले है। ये ग्रंथ में ढेर सा खगोलीय उपकरण के भी वर्णन खुले है जैसे शंकु यंत्र, छाया यंत्र, संभवतः कोणमापी उपकरण, धनुर्यंत्र, चक्र यंत्र, एक बेलनाकार छड़ी, अस्थि यंत्र, छत्र यंत्र आओ जलघड़ी। अब बात कैल जाए आर्यभट्ट के गणित में योगदान के। सबसे पहले एकरा में आवा है शून्य के उत्पत्ति। आर्यभट्ट संख्या के आगे बढ़ावे और एकरा पूरा गणना करेला दशमलव के उपयोग कलथिन हल। यही दशमलव के आर्यभट्ट शून्य कहलथिन। बाकी सब संख्या के बराबर आकार देवेला आर्यभट्ट एकर आकृति बदल के वृत्त नियन बना देलथिन। वर्तमान समय के शून्य आर्यभट्ट के ही देन है जे उनकर समय से ही चलते आ रहे है। दूसर योगदान जे है आर्यभट्ट के वो है पाई के मान। आर्यभट्ट आर्यभट्टीय के दूसरे अध्याय के दसवां छंद में पाई के मान बतलतीन है। गणना करके आर्यभट्ट पाई के मान 3.1416 बतलतीन हल। बीजगणित आउ समीकरण। आर्यभट्ट संख्या के वर्ग और घन के श्रेणी ला भी सूत्र सब की रचना कलथिन हल। AX+BY=C जैसन समीकरण के हल भी दिलथिन हल। आर्यभट्ट ही सर्वप्रथम त्रिकोणमिति के जया यानी कि शाइन और को जया को शाइन फल की रचना कलथिन हल। अब बात कल जाए खगोल विज्ञान यानी कि एस्ट्रोलॉजी में आर्यभट्ट के योगदान के। तो सबसे पहले एकरा में है ग्रह सब के गति के। आर्यभट्ट के सोच हलै कि पृथ्वी अपन अक्ष पर घूमा है और हमेशा यही बात पर अड़ल रहलथिन। वो समझेलथिन कि जैसे कोई नाव पर अगर आदमी हो और नाव चल रहलो है त ओकरा लगा है कि जे अचल समान जैसे पेड़ पौधा जे है चलते नजर आवा है। ठीक उसे ही पृथ्वी पर रहे वाला इंसान के तारा चलते हुए नजर आवा है जबकि वास्तविकता में पृथ्वी अपन धुरी पर घूमते रहा है। साथ ही आर्यभट्ट चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में भी बतलथिन। सबसे पहले आर्यभट्ट ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में बतलथिन हल। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जा है तो चंद्रमा के छाया पृथ्वी पर पड़े लगा है जेकरा सूर्य ग्रहण कहल जा है। ऐसी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जा है तब पृथ्वी के छाया चंद्रमा पर पड़े लगा है और एकरा चंद्र ग्रहण कहल जा है। साथ ही आर्यभट्ट दिन और रात के बारे में भी जानकारी देलथिन है। आर्यभट्ट बतलथिन कि पृथ्वी अपन अक्ष पर घूमा है और एकरा पूरा एक चक्कर करे में एकरा 23 घंटा 56 मिनट और 4.1 सेकेंड के समय लगा है। वर्तमान वैज्ञानिक सबके अनुसार ये समय 23 घंटा 56 मिनट और 4.09 सेकेंड है जेकरा से पता चला है कि आर्यभट्ट के गणना में मात्र 0.01 सेकेंड के ही अंतर हलै। तो ये हलो कुछ चंद जानकारी मगध शिरोमणि आर्यभट्ट के। हमल यो सत्या और अपने देख रहल थिनल एक अंगर मगी। फिर मिलवो अगला वीडियो में एक अलग विषय वस्तु के साथ। तब तक ला जय मगी।